जी अस्सलाम वालेकुम, आपके लिए आज रेसिपी है एक और रमज़ान से रिलेटेड, रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको बनाकर आप इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं, और ये है चिकन कटलेट्स। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बॉइल्ड चिकन। चिकन का आपने अंदाज़ा इस तरह से रखना है कि आपने आलू और चिकन का जो है ना, वो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कप आलू वो चिकन है श्रेडेड, तो आपने 1 कप जो है वो बॉइल्ड पोटैटोज़ लेने हैं मैश करके। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये चिकन है, उसी हिसाब से मैंने इसको बॉईल करके यूँ रेशे कर लिए, और साथ मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बॉईल पोटैटोस, और इनको भी मैंने मैश कर लिया है। आपने इनका जो है क्वांटिटी जो है वो हाफ हाफ रखनी है, चिकन की और आलू की। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी ग्रीन अनियंस। उसके बाद जो इसके ये स्पाइसेस हैं, मैंने ले लिया है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। जीरा पाउडर मैंने लिया 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और सफ़ेद मिर्च 1 चम्मच, और साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है 1 एग बीट करके। बस इन सब चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मसल्स के, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने इसे यहाँ पर मिक्स कर लिया, और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, इनको शेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आपको इसकी राउंड शेप देनी है राउंड दे लें, या जैसे नगेट्स की तरह देते हैं आप वैसे देना चाहते हैं वैसे दे लें, यह आपकी पसंद पे है। बल्कि वो होते हैं ना डिफरेंट शेप्स होती हैं, स्टार शेप होता है डिफरेंट, तो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है वो इस तरह से बना रही हूँ। ये जी सब मैंने रेडी कर लिए हैं, इनको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाएं, फिर इसके ऊपर हम एग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ये जी फ्रिज में रखे हैं, इनको मैंने ये अब सेटल हो गए हैं, तो इनको अब करेंगे फ्रीज करने के लिए इनको एग के अंदर 1 कोट करना है, और फिर इसको ब्रेड क्रम्स के साथ। ब्रेड क्रम्स के साथ इनको चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी जो है वो लेयर बन जाए। ये अब इनको बस ऐसे रखते जाएंगे और इसी तरह सब को कोट करते जाना है, चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स से कोट करना, और इनको इसी तरह रख के फ्रीज कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है, बहुत ही मज़े के ब्रेड क्रम्स यहाँ पर जो मैंने लिए हैं ये इटालियन सीजनिंग के साथ हैं। अगर आपको मिलते हैं तो जो ये कटलेट्स हैं इनका टेस्ट जो है डबल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलते तो आप सिंपल जो क्रम्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इनको इंजॉय करें, फ्रीज करें, अपनी अफ्तारियाँ इजी बनाएं और घर वालों को दें, बच्चों को भी बड़े ये पसंद आते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं, और आप भी खुश बच्चे भी खुश। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।